अबे क्या हुआ, बंदर जैसी शक्ल क्यों बनाई हुई है? ले ले, तू भी मजे ले ले, सब मजे ले लो, यहाँ जिंदगी ने मेरी ले रखी है, तुझे मजाक की पड़ी है। अबे मेरी बंदी ने दूसरा बंदा पटा लिया है। अबे जब वो तुझसे पटी थी ना, मेरे को उसी टाइम डाउट था थोड़े दिन बाद वो दूसरा बंदा जरूर बनाएगी। अच्छा चल बता, मैं कोई हेल्प कर सकता हूँ तो बोल। भाई मेरी बंदी ना घर पे अकेली रहती है और आजकल ना उसे काम वाली बाई की जरूरत है, तो तू चाहता है कि मैं बाई बन के उसके घर जाऊं? हाँ भाई मैं यही चाहता हूँ। अबे पागल है क्या, मैं कोई भाई लगता हूँ? चल मैं नहीं करूंगा। भाई तू मेरा भाई नहीं है, प्लीज भाई देखो। अबे नहीं यार भाई, प्लीज भाई, दोस्ती की कसम है तेरे को यार। अबे हमेशा दोस्ती की कसम देके काम करा लेता है। भाई चला जा यार, तेरे को मेरी कसम है यार, प्लीज चला जा भाई। लेकिन यार मैं कहाँ से काम वाली भाई लगता हूँ यार? भाई तू लगेगा काम वाली, उसका जुगाड़ मैंने कर रखा है। क्या तू चल यार, तू चल, मैं तेरा करता हूँ जुगाड़ भाई, तू काम वाली भाई लगेगा। नमस्ते दीदी जी। जी आप कौन? जी मैं भाई, बाजू वाले घर से पता चला कि आप भाई ढूंढ रहे हैं तो मैं चली आई। ओ हाँ, वैसे आपका नाम? जी पप्पी। पप्पी, ये कैसा नाम हुआ? जी एकदम रस भरा और थूक से भरा हुआ नाम है, पप्पी। आप प्यार से मुझे रस भरी, आंटी, दीदी कुछ भी बुला सकती हो। अच्छा आ जाओ अंदर आओ। क्या क्या कर लेती हैं आप? मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बर्तन, खाना, रोना, धोना, सोना। और अगर किसी के दो बॉयफ्रेंड हो तो ब्रेकअप एडवाइस, पैचअप एडवाइस, दोनों बॉयफ्रेंड को हैंडल कैसे करना है, हर तरह की एडवाइस देती हूँ मैं, बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ। शादी.com और चलता फिरता टिंडर हूँ दीदी मैं। ओह काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है आपको, लगता है आप मैरिड हो। वैसे खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। दो पति हैं दीदी मेरे, दोनों को लगता है मैं उनसे प्यार करती हूँ, लेकिन उन्हें ये नहीं पता मैं किसी तीसरे से प्यार करती हूँ। काम धंधा तो चलता रहता है, फन भी तो जरूरी है लाइफ में। नहीं, लॉयल रहना चाहिए। अरे अगर हम भी लॉयल रहने लग गए तो कुत्तों में और हम में क्या फर्क रह जाएगा, है ना दीदी? अच्छा अच्छा जाओ, वो सामने किचन है, बर्तन बहुत ज्यादा है, काम पे लग जाओ। अभी करा दीदी। अरे दीदी, अरे दीदी मैं फिर आ गया आपके घर, छुट्टियां मना। जरूर इसका बंदा रखा होगा नीचे, अभी इसकी फोटो खींच के उस हरामी को भेजता हूँ। हरे भरे माल को कैसे छोड़ दूं? भाई छोड़ने, काम वाली भाई है ये। जरा इनके काम का बोझ मैं भी उठा लूं। हट दीदी, आप जाओ किचन में काम करो, काम वाली भाई है वो। साले तुझे अभी फोन करना जरूरी था? भाई मैं तो बस यही पता कर रहा था कि उसके बारे में कुछ पता चला क्या। अरे तेरी बंदी कम थी क्या, इसका शक्ति कपूर जैसा भाई और आ गया, ये मेरे संतरे खा के ही छोड़ेगा। यार कहाँ फंसा दिया तूने मुझे।
चल बाय, बर्तन धोने दे अब, बाय। अरे यार ये जिप क्यों नहीं लग रही है? आंटी जरा के जिप बंद कर दो, आंटी जरा ये जिप बंद कर दो। नहीं यार अब ये बागबान बना रही है यहाँ। कुछ कहा आपने? नहीं दीदी। तो करो यार, दोस्त की बंदी वैसे है। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? आपने कभी जिप नहीं बंद की क्या? नहीं बस हमेशा खोली है। क्या? अरे मेरा मतलब है कभी बंद नहीं करी ना ऐसी जिप। करो। इतना टाइम लगाओगी तो कैसे चलेगा? इतने टाइम में तो अक्षय कुमार 4 फिल्में कर देता। जाओ आप, मैं खुद ही लगा लूंगी। अच्छा चल ठीक है ठीक है। दीदी ये क्या कर रहे हो आप? बेटा एडजस्ट कर रही हूँ। वो क्या है ना, बुढ़ापे में खुद ही एडजस्ट करने पड़ते हैं। जवानी में तो मेरे साथ साथ मेरे पति भी इनका ख्याल रखते थे, लेकिन अब वो मर गए तो क्या करें। मर गए? लेकिन आपने तो कल कहा था आपके 2 पति हैं, और आपकी बातों से तो बिल्कुल नहीं लगता कि वो मर गए। ओ हाँ हाँ, उन 2 पति से पहले भी मेरा एक पति था, अभी मैं उसी की बात कर रही थी। बहुत रंगीन जिंदगी रही है मेरी। लोग डॉक्टर डॉक्टर खेलते थे और मैं हस्बैंड हस्बैंड। अच्छा अच्छा आप डस्टिंग करो, मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत अच्छे से डस्टिंग करूंगी। अरे क्या पासवर्ड है इसका? ये क्या कर रहे हो आप मेरे फोन के साथ? आपके फोन का वॉलपेपर बहुत अच्छा है, मेरे मरे हुए पति का भी यही वॉलपेपर था। मेरे पति ने यही वॉलपेपर देख के अपनी आखिरी सांस भरी थी। जहां कहीं भी ये वॉलपेपर देखती हूँ इमोशनल हो जाती हूँ। रोज रात को दारू पिया करते थे साथ में बैठ के हम, और ढेर सारा चकना लेकर आया करते थे वो मेरे लिए, और कभी जब चकना खत्म हो जाता था तो अपनी घड़ी बेचकर भी वो मेरे लिए चकना लेकर आए, इतना प्यार करते थे। गॉड ब्लेस हिम। अच्छा अच्छा मैं अपना टॉवल भूल गई थी, यहाँ पे भी नहीं है। तुम अपना रोने का कार्यक्रम चालू रखो, मैं नहाने जा रही हूँ। अबे साले तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है? एक तो तेरी बंदी इतनी चंटा है, उसके किसी भी बॉयफ्रेंड का पता नहीं चल रहा, और ऊपर से उसका भाई, उसका बस चले तो कल ही मेरे साथ सुहागरात मना दे। दीदी एक कॉफी ला दो। आई मैडम। साले देख सुन, सब तेरी वजह से हो रहा है। अरे यार लेट्स गो। अरे आंटी जी आओ ना डांस करते हैं। अरे नहीं बेटा आप ही करो। नहीं अरे करो ना। अरे नहीं नहीं आप करिए। अरे करो। आंटी जी ये इतने सख्त क्यों हैं?
वो बेटा आपने सुना नहीं, सख्ती जरूरी है, जाकिर भैया ने भी कहा है। आंटी आप कितनी फनी है। आपकी बॉडी तो ऐसी लग रही है जैसे आप जिम जाते हो। ओ बेटा मेरे जमाने में मैं ऋतिक रोशन के ट्रेनर से ट्रेनिंग लिया करती थी, तो इसीलिए थोड़ा बॉडी सख्त है। यहाँ तक कि मैं अपने सारे पतियों को गोदी में उठा दिया करती थी मैं। अच्छा सच में? मुझे भी उठा के दिखाओ। उठाओ उठाओ, एक मिनट। हाँ हाँ मैं अभी पहुंच जाती हूँ। ठीक है ठीक है आंटी जी, आज तो मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है बाय। हेलो। अबे यार मुझे नहीं लगता इसका कोई बंदा है। अरे हाँ हाँ भाई पता चल गया, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ ही है। अबे हराम खोर, अगर तेरी बंदी तेरे पास है तो फिर मैं कहाँ हूँ? क्या मतलब तू किसी और एड्रेस पे चला गया? अबे तू सही एड्रेस बताना चाहिए था ना यार, तूने तो मेरे क्या ही बोलूँ। क्या बेबी रखो ना, इतने दिन बाद तो मिले और अभी भी फोन पे। अरे हाँ हाँ ठीक है चल बाय, बाद में बात करता हूँ। कैसा बंदा है यार। अभी शक्ति कपूर की प्यास कौन बुझाएगा? मैं तेरा बलमा, तेरा बलमा, बिस्तर में करेंगे भांगड़ा। मैं हूँ तेरा बलमा, मैं हूँ तेरा बलमा, बिजली आ जाओ। मैं हूँ तेरा बलमा, मैं हूँ तेरा बलमा। लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। रेड वाला बटन है दबाओ, फ्री है, कोई पैसे नहीं लगने वाले। और इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉलो कर लेना, वहीं बातें बातें करेंगे, ब्लूपर वगैरह वहीं मिलेंगे। बाय गाइज़।